नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं आपके साथ अखिल गुप्ता। T20 वर्ल्ड कप का बिगुल बज चुका है। भारतीय टीम ने अपने पहले और इकलौते वार्म अप मैच में बांग्लादेश को एक तरफा मुकाबले में 60 रनों से हरा दिया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की और स्कोर बोर्ड पर 182 रन लगा दिए। बांग्लादेश के सामने 183 का टारगेट था, लेकिन पूरी टीम केवल 122 रन बना सकी और एक तरफा ये मैच हार गई। टीम इंडिया ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, कई गेंदबाजों को गेंदबाजी का मौका मिला, लेकिन एक बार फिर से यूजी चहल केवल मुंह देखते हुए नजर आए। कप्तान रोहित शर्मा ने एक भी ओवर यूजी चहल को नहीं फेंकने दिया। अब बड़ी शॉकिंग बात थी कि T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारा जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन होने वाला, जितने बॉलर्स को हमने T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में चुना है, सभी को बॉलिंग करने का मौका मिला, फिर चाहे वो अर्शदीप सिंह हो, मोहम्मद सिराज हो, इनफैक्ट जसप्रीत बुमराह ने भी दो ओवर की गेंदबाजी की, शिवम दुबे ने बॉलिंग की, हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, कौन सा ऐसा वो गेंदबाज था जिसको बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला? केवल यूजी चहल वो इकलौते ऐसे नाम थे जो स्क्वाड में होने के बाद भी, मैदान पे होने के बाद भी एक ओवर नहीं डाल सके। ये वाकई में बड़ा पेचीदा सवाल है, क्योंकि जब भी चहल का नाम आता है हमको याद आता है 2021 का वर्ल्ड कप, जहां पे आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, लीडिंग विकेट टेकर्स में से एक थे, लेकिन उसके बाद भी उनको वर्ल्ड कप के लिए टीम में नहीं चुना गया। 2022 के T20 वर्ल्ड कप उनको वर्ल्ड कप के लिए चुना गया, लेकिन यूजी चहल को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। युजवेंद्र चहल हर मैच में प्लेइंग 11 में बाहर बैठे हुए नजर आए, बेंच पे बैठे हुए नजर आए, प्लेयर्स को पानी पिलाते हुए नजर आए। 2023 का वनडे वर्ल्ड कप भारतीय सरजमीं पे खेला गया, चहल ने एक बार फिर से अच्छा परफॉर्मेंस किया था आईपीएल में, डोमेस्टिक में, लेकिन उसके बाद भी चहल को इग्नोर कर आर अश्विन को वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। अब जब चहल को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह मिली है, तो ऐसे में एक बार फिर से वार्म अप मैच में उनको बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला। ये वाकई में बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि युजवेंद्र चहल एक ऐसा नाम है जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट छिटकाए हैं। यूजी चहल अब तक 96 विकेट ले चुके हैं, केवल अपना शतक पूरा करने से, विकेटों का शतक पूरा करने से केवल 4 विकेट दूर हैं। लीडिंग विकेट टेकर होने के बाद भी, भारत का लीडिंग विकेट टेकर होने के बाद भी चहल को बेंच पर बैठना पड़ रहा है, ये वाकई में शर्मनाक है। आईपीएल में उनके आंकड़े बड़े शानदार थे। आईपीएल 2024 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए उन्होंने 18 शिकार किए थे, उसके बाद भी चहल को बॉलिंग का मौका नहीं मिला। अब ये वाकई में एक और इशारा करता है कि क्या इस बार भी यूजी चहल बेंच पर बैठे हुए नजर आएंगे, क्या इस बार भी युजवेंद्र चहल अपने साथी खिलाड़ियों को पानी पिलाते हुए नजर आएंगे? ये वाकई में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप अपने नंबर वन बॉलर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और इस तरह के विकेटों पर न्यूयॉर्क में, खासतौर पर वेस्टइंडीज में जब आप मैचेस खेलेंगे, आपको यूजी चहल की कमी खलेगी। लेकिन अगर आप वेस्टइंडीज पहुंचने से पहले यूजी चहल को प्रॉपर गेम टाइम नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को ये भारी पड़ेगा। क्या टीम इंडिया यूजी चहल के बिना वर्ल्ड कप जीत पाएगी? ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय जरूर दें कि क्या चहल को मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं।